रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। कीव पर कई रॉकेट दागे हैं। इन धमाकों से इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में एक शॉपिंग मॉल पूरी तरह से तबाह हो गया जिसमें कई लोग मौजूद थे। हमले के बाद लोग वहां फंस गए जिन्हें बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार मशक्कत कर रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं। मलबे के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना जा रहा है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। कीव के पोदोल्स्की इलाके में यह हमला किया गया है। रूस के तरफ से लगातार रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। इन रॉकेट्स की वजह से एक मॉल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक सारे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो देर रात की ऊपर जब रॉकेट बरसे तो किस तरह से रात में भी उजाला हो गया। ऐसा लगा जैसे सूरज चमक रहा हो, लेकिन ये तबाही की चमक थी, ये मिसाइल्स की रोशनी थी। और इसके बाद एक मॉल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव जिस पर कब्जे की कोशिश रूस लगातार 26 दिन से कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है और नतीजा ये कि कीव में भारी तबाही हो रही है। कीव पर रूस ने रॉकेट अटैक किया है और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कैसे धमाका हुआ और आसपास तेज रोशनी का एक गुबार सा उठा। इसके बाद भारी तबाही हुई है। रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया। लड़ाई 26वें दिन भी जारी और इस बीच पूर्वी यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले यूक्रेनी सेना के कई अड्डों को तबाह करने का दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। ये रूस का TOS-1 थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। रूसी सैनिक इन रॉकेट को असेंबल करके दाग रहे हैं और जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना पर कहर बरपा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना के हॉवित्जर्स पर ड्रोन से हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से वीडियो जारी करके बताया गया है कि यूक्रेनी हथियारों पर ड्रोन अटैक किया गया है। वो ड्रोन जो कि पहले यूक्रेन के लिए मारक हथियार बने हुए थे और अब रूस भी जमकर ड्रोन के जरिए यूक्रेन के टैंकों को निशाना बना रहा है, दूसरे हथियार के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। ड्रोन्स की मदद से अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों ही ओर से वीडियो जारी करके एक दूसरे की तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने पेश की जा रही हैं और ये रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए यूक्रेनी सेना के हॉवित्जर्स पर हमला किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन है और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें देख करके ऐसा लगता है कोई वीडियो गेम चल रहा हो, लेकिन ये वीडियो गेम नहीं है। ये एक दूसरे के ठिकानों पर घातक हथियारों से हमला करने वाली तस्वीरें हैं और ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है और तबाही यूक्रेन पक्ष पर की जा रही है। आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए रूस और यूक्रेन युद्ध के 26वें दिन के हम अपडेट दे रहे हैं। कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं, वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। उधर अमेरिका और टर्की यूक्रेन को S-400 मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी तैनाती यूक्रेन की राजधानी कीव में होने की संभावना है। यूक्रेन में गोलीबारी में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया गया। यूक्रेन युद्ध में अब यूक्रेन की मिसाइल लेडी रूस के खिलाफ लगातार हमले करने की तैयारी कर रही है। टैंकों के उड़ाने में माहिर मिसाइल लेडी रूस के लिए मुसीबत बन रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते यूरोप जाएंगे, लेकिन इस दौरान वो यूक्रेन का दौरा नहीं करेंगे।
रूस और यूक्रेन युद्ध का ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अब क्या कुछ हो रहा है। शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के देशों के खिलाफ जो रूस का अटैक है इसके लिए देशों को एकजुट करेंगे। वहीं यूक्रेन को टर्की से S-400 मिसाइल सिस्टम देने की उम्मीद है। S-400 जिसे खुद रूस ने ही टर्की को दिया था अब वो यूक्रेन में लगाया जा सकता है और रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। वहीं जेलेंस्की का ये कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं लड़ा तो तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इसी बीच रूस को खबर देने के आरोप में यूक्रेन के 11 दलों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निलंबित कर दिया है। दावा किया गया है कि ये लोग रूस को जानकारियां दे रहे थे। इस बीच रूस के 14,700 सैनिकों को मारने का यूक्रेन ने दावा किया है। वहीं यूक्रेन और रूस युद्ध पर भारत के रुख का क्वाड ने समर्थन किया है। इस बीच रूस पर प्रतिबंधों के दायरे को बढ़ाने की अमेरिका तैयारी कर रहा है और कीव पर रूस का लगातार हमला जारी है। रॉकेट लॉन्चर से लगातार अटैक किया जा रहा है। हमारे साथ रविंदर सचदेव जुड़ चुके हैं, साथ ही जीडी द्विवेदी साहब हैं। सबसे पहले जीडी द्विवेदी साहब, लड़ाई का 26वां दिन है अभी, जिस तरह से रूस ने घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, क्या यह माना जाए कि अब रूस इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है? बिल्कुल चंदन को, देखिए जिस प्रकार ये युद्ध अभी 26वें दिन में आया है तो रूस को कोई निर्णायक विजय नहीं मिली है और उन्होंने और भी अपने हमले तीव्र कर दिए हैं, क्योंकि अगले 3-4 दिन में अगर वो अपनी आक्रमण जो है कीव पर नहीं कब्जा कर पाते हैं तो इसका साफ जाहिर है कि रूस का जो हमला है वो तकरीबन स्टेलमेट हो गया है। यानी ठीक है, 3-4 दिनों में उसे कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी, ऐसे में बेसब्र होना रूस का लाजमी है और वो घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। रॉबिन सचदेव, 3-4 दिन बहुत अहम है, अमेरिकी राष्ट्रपति भी यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। ये जो 3-4 दिन है, एक तो इतने दिन हो गए हैं तो हर दिन इम्पोर्टेंट है, इतना लंबा खिंच गया है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये बाइडेन नेटो की मीटिंग में जा रहे हैं ब्रसल्स वेंसडे को, राइट, ये एक मौका है, बहुत अर्जेंट नीड हो गई है कि इस को रिजॉल्व करा जाए। इस मीटिंग में जो इनका बाइडेन का यूरोप का दौरा है, अगर ये कुछ रिजॉल्व नहीं करते हैं तो इनफैक्ट आपको ध्यान होगा, ये बात किसी ने ज्यादा बात नहीं करी है, जेलेंस्की ने जब अमेरिकन कांग्रेस को स्पीच दी थी उन्होंने कहा था कि वक्त शायद ये भी आ गया है कि नेटो, उन्होंने नेटो नाम नहीं लिया था, हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, तो एक U24 ग्रुप बनाया जाए, ठीक है, यूनाइटेड फॉर पीस, U24 कंट्रीज जो आपस में 24 घंटे के अंदर एक दूसरे की सिक्योरिटी की मदद करे, ठीक है। अब बात है कि उन्होंने जो U24 जेलेंस्की चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया के देश जो है इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो, लेकिन अमेरिका बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। इस बीच द्विवेदी साहब, जेलेंस्की कहते हैं कि अगर लड़ाई को नहीं रोका गया तो तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है, कहीं ना कहीं इस जंग के वो फैलने की आशंका जता रहे हैं, कितना ये उनकी जो धमकी है इस पर कितना यकीन किया जाए? देखो, ये धमकी है, अभी तक जो जिस प्रकार युद्ध चला है इसकी कोई आशंका नहीं है कि ये तीसरी विश्व युद्ध में बदल जाए, क्योंकि दोनों साइड में एक लाल रेखा है, लाल रेखा है कि जो नेटो के देश हैं वो यूक्रेन को मदद तो करेंगे पर अपने सैनिक जो है वो नहीं लगाएंगे, दूसरा ना ही वो जो एयर डिफेंस नो फ्लाई जोन है उसकी भी उन्होंने कोई भी आगे मदद करने से इनकार कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए अगर नेटो ठीक अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, नो फ्लाई जोन नहीं आएगा, तो ये युद्ध फैलने के कोई आशंका नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर रशिया कोई ऐसे हथियार इस्तेमाल करता है जैसे परमाणु हथियार है या जैविक हथियार है, उससे क्या हो सकता है कि युद्ध में एक और मोड़ आ सकता है, तब इस युद्ध के फैलने की आशंका हो सकती है। इस समय जिस प्रकार युद्ध चल रहा है, ये युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में है, नेटो इससे बाहर है, सिर्फ नेटो बाहर रह के भी, रॉबिन सचदेव, नेटो बाहर रह के भी जिस तरह से 26 दिन तक यूक्रेन जो है वो रूस के सामने टिका हुआ है, कहीं ना कहीं नेटो और अमेरिका का लक्ष्य हासिल होता हुआ दिखता है, क्योंकि उनकी मंशा यही थी कि लड़ाई चलती रहे, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगते रहे, रूस की छवि खराब होती रहे, पुतिन को एक जो है माफिया डॉन की तरह जो है पेश करने की कोशिश थी, और उसमें तो नेटो कामयाब हो चुका है।
हो रहे हैं। जनरल द्विवेदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आशंका मतलब वर्ल्ड वॉर की नहीं है, परंतु कुछ पॉइंट्स हैं जहां फ्रिक्शन हो सकती है, जिसके चलते रशिया और नेटो की वॉर हो सकती है, खास करके पोलैंड और रोमेनिया के बॉर्डर से जो नेटो सामान भेज रहा है। अभी तो सोच रहे हैं भेज जा रहे हैं नो जैवलिन्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स एंड स्टिंगर्स इत्यादि। रशिया कुछ समय में, चाहे जैसे भी फंसा रहे यूक्रेन में, रशिया कुछ समय में आकर के यूक्रेन के बॉर्डर पर अटैक शुरू करेगा कि ये जो सप्लाई लाइंस नेटो कह रही है उनको रोकने के लिए। बॉर्डर पर तो शुरू कर चुका है, लवीव में तो अटैक पहले ही शुरू कर चुका है। रूस ने साफ कर दिया है कि जो भाड़े के लड़ाके हैं उन पर हम अटैक करेंगे, जो हथियार आ रहे हैं उन पर हम अटैक करेंगे। द्विवेदी साहब, अगर बात की जाए रूस की, तो रूस ने पश्चिम में भी मोर्चा खोल दिया है, लवीव में जिस तरह से डिपो पर हमला किया है। इस बीच एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई कि S-400 देने की बात कर रहे हैं अमेरिका और टर्की। वो S-400 जो कि रूस ने ही दिया था टर्की को, अब वापस उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अब बिल्कुल चंदन, देखो जो हथियार आ रहे हैं, जो असला आ रहा है वो तो बॉर्डर से आ रहा है, तो ये रशिया की पूरी कोशिश होगी कि ये जो सप्लाई चेन है इसको तोड़ा जाए, इसको निष्फल किया जाए, ये तो पूरी कोशिश होगी। ठीक है, जैसे आप S-400 की बात कर रहे हैं, अगर S-400 यूक्रेन को दी जाती है तो ये एक और मोड़ आएगा इस युद्ध के अंदर, जी क्योंकि इससे युद्ध को और भी, जो कहते हैं कि तेल फूंकने वाली बात हो जाएगी, युद्ध और भड़क सकता है जी और ये इसका काफी गंभीर अंजाम हो सकता है। जी ठीक है। अब अगर बात की जाए सचदेवा साहब, अगर इस तरह का अटैक होता है, रूस पहले ही साफ कर चुका है कि अगर यूक्रेन की जमीन पर जो है अगर नेटो का कोई सैनिक पहुंचता है तो उसे उसके खिलाफ जंग माना जाएगा। तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर ऐसा कोई लड़ाई होती है, ऐसा फ्लैश पॉइंट कोई आता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, नेटो की या रूस की? देखिए, दो पॉइंट है इसमें। एक तो जो टर्की S-400 अगर जो खबर आ रही है देगा यूक्रेन को, जी पता है टर्की ने S-400 खरीदे रशिया से, उसके बिल्कुल चलते अमेरिका ने टर्की पे सैंक्शंस लगा रखी है, बाय द बिल्कुल वे, राइट? चाहे टर्की नेटो मेंबर है वो अलग छोड़िए। बात यह है, बीच में याद है बात चल रही थी कि पोलैंड कह रहा था मैं एयरक्राफ्ट दूंगा MiG-29 यूक्रेन को, राइट? वो मामला रुका पड़ा है। क्यों? रशिया ने कह दिया था कि किसी भी देश की अगर एयरफील्ड इस्तेमाल होती है जी यूक्रेन की मदद के लिए तो उस देश को हम अपना एनिमी मानेंगे। बिल्कुल तो ये जो हवाई जहाज पोलैंड देने से रुक गया, क्यों रुका? क्योंकि हवाई जहाज वो पोलैंड से यूक्रेन आते कैसे? बिल्कुल पोलिश फ्लैग में लग करके आते यूक्रेन? नहीं, या फिर ऐसा होता है पोलैंड की एयरफील्ड थी, वहां पर उनको रंग पोत दिया जाता, यूक्रेन का फ्लैग लगा दिया जाता, जी ग्राउंड से यूक्रेन के पायलट जाते हैं पोलैंड और फिर पोलैंड में एयरफील्ड से उड़ा करके वो यूक्रेनियन बना करके हवाई जहाज को नहीं, तो लाते रूस ने हैं। तो साफ कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ कि आप एयरफील्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया तो भी हम अपने दुश्मन मान लेंगे उसे। एग्जैक्टली। तो सिमिलरली अगर टर्की की तरफ से S-400 आते हैं, गेम हो जाएगी और इसमें ये स्पायरल अप हो जाएगा, क्योंकि रशिया, देखिए टर्की के रिश्ते रशिया के साथ भी कुछ ठीक ठाक ही है, तेल गैस वगैरह खरीदता है, उसके अलावा टर्की अपने को एक रीजनल क्या ग्लोबल प्लेयर मानता है, राइट? जी और टर्की के जो ड्रोन्स हैं इस समय जो उन्होंने यूक्रेन को बेचे हुए हैं बखमतियार, जी वो काफी इफेक्टिव हो रहे हैं। तो अगर S-400 अबल तो बात है टर्की से आएंगे कैसे, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? एंड सेकेंडली, अगर आए और इस्तेमाल हुए तो रशिया का क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल बहुत अजीब और इसको बहुत बहुत अभी घातक स्थिति हो सकती है और ऐसे में हालात काफी बिगड़ सकते हैं और ये फिर लड़ाई तो ब्लैक सी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि टर्की के पास ही वो ब्लैक सी से जो बाहर रास्ता निकलता है उस पर टर्की का कब्जा है। रूस के जहाजों को भी उधर से बाहर निकलना पड़ता है और यही वजह है कि रूस और टर्की के बीच संबंध भी अच्छे हैं। इस बीच अगर द्विवेदी साहब बात की जाए रूस की, तो रूस ओदेसा की तरफ भी अपने जहाजों को भेज रहा है, उधर भी एक मोर्चा खोलने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं जो 26 दिनों में रूस की रणनीति रही है अब तक बार बार बदलती रही है, शायद यही वजह है कि निर्णायक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है उसे। बिल्कुल ठीक चंदन, देखो रणनीति बदलती रहती है, क्योंकि जब आप युद्ध में आते हैं तो दो एक तरफी प्लान नहीं होती, युद्ध दो तरफा होता है। तो जिस तरह यूक्रेन ने युद्ध लड़ा है वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, उनकी स्ट्रेटेजी थी किसी न किसी तरह शहरों से युद्ध लड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि शहरों से युद्ध लड़ना आसान होता है और रशिया का ये था कि शहरों में ना घुसा जाए। तो अभी क्या है कि निर्णायक बोर्ड पर है, क्योंकि युद्ध शहरों में आ गया है, ठीक है। जैसा आपने ब्लैक सी की बात की है, ब्लैक सी बहुत अहम है रशिया के लिए, क्योंकि उनका जो पूरा फ्लीट है वहां है और जो समुद्री रास्ता है यूक्रेन को वो भी ब्लैक सी के अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं चोक होल्ड।
यानी कि आप जो भी सारे रास्ते हैं चौक कर देते हैं जिसमें सप्लाई असला नहीं आ सकता है, तो इसलिए ब्लैक सी का जो है इसका बहुत ही अहम भूमिका है, तभी उन्होंने ये ओडिशा को पकड़ा है और एजल सी के रास्ते बंद किए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो समुद्र से कोई भी इमदाद जो है वो यूक्रेन को आए। बिल्कुल, जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो तो खुले हुए हैं और लैंड बॉर्डर से अभी काफी असला आ रहा है। साथ ही साथ मैं एक पॉइंट और भी बताना चाहता हूँ, ये जो नेटो है, अमेरिका है, ये काफी मदद कर रहे हैं, तो आजकल के युग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बहुत अहम भूमिका है। बिल्कुल, और वो काफी चैलेंज भी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, वो काफी मदद भी कर रहे हैं, तो ये भी एक अहम चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल सचदेवा साहब, अगर बात की जाए रूस पर प्रतिबंधों की, तो दुनिया भर के प्रतिबंध लगा लिए गए हैं, अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, तमाम देशों की तरफ से, रूस पूरी तरह से बेपरवाह है। ऐसे में जब बाइडन जाएंगे, यूरोपीय देशों की यात्रा करेंगे, तो उनका पर्पस क्या होगा, आखिर क्या हासिल करना चाहेंगे इस यात्रा से? बाइडन के सामने यही तो चुनौती है, कितनी सैंक्शंस आप, अभी वो जो नेटो जाएंगे डेफिनेटली वो सैंक्शंस और लगाने की बात कर रहे हैं। अब क्या और सैंक्शंस है, कुछ और ओलिगार्क या बिजनेसमैन पे, रशिया के एक्सपोर्ट्स पे और सैंक्शंस लगा दो अब, या तेल गैस कम कर दो, कितना कम करोगे? पर पॉइंट ये आ गया कि नेटो और अमेरिका इस सिचुएशन में आ गए हैं कि इनके पास अब आगे कोई ज्यादा सैंक्शंस नहीं है, या लगाएं भी तो रशिया चले जा रहा है, तो नेटो दुविधा अब ये हो गई है, बाइडन की, अमेरिका की दुविधा ये हो गई है कि अब क्या करो, जिसके चलते पुतिन रुके, क्योंकि जितना भी आपने कर दिया, आपने मैक्सिमम सैंक्शंस लगा दिए हैं, रशिया को पूरा वर्ल्ड सिस्टम से काट दिया है, परंतु रशिया रुक नहीं रहा है। ठीक है, रशिया रुक नहीं रहा है, ऐसे में द्विवेदी साहब अब जेलेंस्की के पास क्या विकल्प बचते हैं? ठीक है, आपने बहुत बहादुरी से 26 दिन लड़ाई कर ली है, लेकिन रूस अब जो है किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है, साथ ही साथ अपने घातक हथियारों को बाहर निकाल रहा है, और निश्चित तौर पर इन घातक हथियारों का इस्तेमाल होगा तो यूक्रेन में और ज्यादा तबाही होगी, तो क्या जेलेंस्की को अपनी जनता को बचाने के लिए बातचीत की टेबल पर थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल चंदन, देखो बातचीत तो होनी ही है, क्योंकि युद्ध तो बातचीत से खत्म होगा या एटलीस्ट युद्ध विराम हो सकता है, पर दो चीजें हमें देखने की बहुत अहम बातें हैं। देखो पहले तो अगर जेलेंस्की 26 दिन वो रूस को उन्होंने रोक रखा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ उन्होंने जीत हासिल की है। और दूसरी बात है, आप देखिए कोई भी बड़ा शहर जो है रूस नहीं ले पाया है, चाहे वो खार्किव है या मोरिपोल है या और कीव है, वो बड़े शहरों को नहीं कब्जा कर पाए, क्योंकि जेलेंस्की की एक ही स्ट्रेटजी है कि वो शहरों से लड़ेंगे, और शहरों से जब लड़ते हैं तो हमलावर का बहुत नुकसान होता है। मेरा अपना अनुभव है ढाका में 71 की लड़ाई में, जब आप शहरों में घुस जाते हैं तो आपका बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि शहरों का युद्ध जो है बहुत भीषण और बड़ा खून खार होता है, क्योंकि आपको गली से गली में लड़ना पड़ता है। बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइट होती है। मैं चाहता हूं कि जेलेंस्की काफी हद तक कामयाब है, पर अगर ये युद्ध ऐसे चलता रहा तो बहुत तबाही होगी यूक्रेन कीव की, बहुत तबाही होगी, और वो चाहेंगे किसी न किसी तरह युद्ध विराम किया जाए, और कोई ना कोई नहीं, क्या वाकई जेलेंस्की युद्ध विराम चाहते हैं? सचदेवा साहब, क्या जेलेंस्की वाकई युद्ध विराम चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, रूस से समझौते के लिए तैयार हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, तीसरे विश्व युद्ध तक खिंच सकता है, ये सब इस तरह की भड़काऊ बातें भी वो कहते रहते हैं, क्या वाकई जेलेंस्की समझौते के लिए तैयार है? बड़ा सवाल तो यही है। वो अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए अगर मतलब पॉइंट इस की वो अभी भी कह तो रहे मैं समझौता करना चाहता हूं, पर अपनी कंडीशंस भी हैं वो भी रिजिड है जी। तो वो जो अपनी कंडीशंस दे रहे हैं वो रशिया जितना समझ आता है, रशिया उन कंडीशंस को नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा तो ये युद्ध चलता रहेगा। परंतु आप जो क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं बहुत अहम है, क्या लीडर जो होता है उसको किस वक्त कोई डिसीजन लेना चाहिए? ज़ेलेंस्की क्या ये देखते हैं कि ये युद्ध जीत पाएंगे? शायद नहीं। अगले 10 दिन चल जाएगा, महीने चल जाएगा, अगले महीने भर में कितने यूक्रेनियंस, कितने लोगों की डेथ होगी, कितने शहर बर्बाद होंगे, और इसका भी फिर भी अंजाम क्या आएगा? तो वक्त आता है जब लीडर को यह सोचना पड़ेगा कि भाई मैं लड़े तो जा रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मेरे देश के इतना नुकसान हो रहा है, वो ट्रेड ऑफ होगा कि अब मैं अपने देश की तबाही रुक जाए, परंतु वो फिर रशिया की टर्म्स में रुकना पड़ेगा उन्हें। अभी जो जेलेंस्की कह रहे हैं हाँ मैं बैठने को तैयार हूं, बात करने को तैयार हूं, अभी वो तैयार नहीं है जिस तरह से वो बात करें, नो, राइट नाउ नो जी।
रूस और यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है रूस ने, कई रॉकेट दागे हैं। इन धमाकों से इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। हमले में एक शॉपिंग मॉल पूरी तरह तबाह हो गया, जिसमें कई लोग अंदर थे और वो हमले की चपेट में आ गए। अटैक के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारी लोगों को बाहर निकालने में मशक्कत कर रहे हैं। कीव के पोदोल्स्की इलाके में इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। लड़ाई का 26वां दिन और रूस ने राजधानी कीव पर लगातार रॉकेट दागे हैं। इन रॉकेट के अटैक में एक मॉल को भारी नुकसान हुआ है। पोदोल्स्की इलाके में इस मॉल के ध्वस्त होने के बाद अंदर कई लोग फंस गए। 4 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। कई और लोग अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कवायद दमकल कर्मी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब रूस का रॉकेट अटैक हुआ तो उसके बाद आसमान में पूरी तरह उजाला हो गया, लेकिन ये उजाला तबाही का था। और इसके बाद जो मंजर है वो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि रॉकेट अटैक का क्या अंजाम हुआ है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सचदेवा साहब और द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। द्विवेदी जी, जिस तरह से राजधानी कीव पर लगातार अब अटैक किए जा रहे हैं, शुरुआत में रूस के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन अब घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी चपेट में रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं, तो क्या अब जो जंग है उसमें ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जो जंग है अभी बहुत निर्णायक मोड पर है, क्योंकि या तो रशिया यूक्रेन कीव को पकड़ लेता है, और अगर कीव नहीं गिरता है तो रशिया की पूर्ण जीत नहीं हो सकती है। मैं 2 बातें इसमें बताना चाहता हूं। देखो, आजकल का युद्ध है कई स्तर पर लड़ा जाता है, जमीन पर लड़ा जाता है, बातचीत के टेबल पर लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। पर जो आपकी पोजीशन है बातचीत के टेबल पर वो मुनसर करती है ग्राउंड पोजीशन क्या है। तो इस समय दोनों साइड जो है वो कांटे की टक्कर में है। ठीक है, रूस को जीत नहीं मिली है और ज़ेलेंस्की लड़ता जा रहा है, अभी तक हथियार में डाले हैं जी। अभी आगे क्या हो सकते हैं, 2 हालात हो सकती हैं। ठीक है, अगर कीव गिर भी जाए तब भी हार नहीं मानेंगे ये यूक्रेनियन, तो फिर गुरिला वॉरफेयर में बदल जाएगा जी। और गुरिला वॉरफेयर चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखिए, अगर डोनबास के एरिया में देखें, वहां पूरा रशिया का दबदबा है, 80% पॉपुलेशन रशियन है, तब भी रशिया उस पर कब्जा नहीं कर पाया है। तो आप ये देखें कि यूक्रेन जो है इतना बड़ा शहर है, 840 किलोमीटर है और उसकी 30 लाख के ऊपर आबादी है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन में ये निर्णायक निर्णय हो जाएगा कि कौन सी जो साइड है उसका पलड़ा भारी है। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि रूस कीव पर इतनी आसानी से। सचदेवा साहब, क्या वजह है कि यूक्रेन इतनी मजबूती से अब भी टिका हुआ है? क्या नेटो देशों से मिले हथियार, या फिर रूस ने यूक्रेन को बहुत हल्का आंक लिया था, या फिर कोई और वजह है? जनता का सपोर्ट जो मिल रहा है वो वजह है, या फिर जो अजोव बटालियन जिसकी बात की जाती है उसकी ताकत काफी ज्यादा है, जो कि रूस को लगातार रिपल्स कर रही है? ये सब चीजें जो आप कह रहे हो, पर अजोव बटालियन तो एक्चुअली केवल मारियापोल में उसका बेस है, तो पूरी वॉर का इम्पैक्ट अजोव बटालियन पे नहीं है। माना वो एक बड़ी बड़ी इफेक्टिव फाइटिंग मशीन है, और इनफैक्ट अजोव को ही लेकर के तो पुतिन कहते हैं कि ये लोग नाजी हैं, और उसमें कुछ सच्चाई भी है। अजोव बटालियन जो है यूक्रेन की, ये उसमें वो लोग हैं जो फार राइट के एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग हैं, राइटिस्ट लोग हैं, राइट। तो पर अजोव को छोड़िए ना, बात यह है कि यस, पिछले 3 दिन में अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है युद्ध का कुछ तरीका बदला है, जब परसों से आई थिंक जब से ये हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, उसके पीछे जो इतनी लंबी ये वॉर चल रही है, नो डाउट रशिया ने यूक्रेन को हल्के में लिया, परंतु अगर हल्के में भी लिया रशिया ने, आप देखिए रशिया ने जो फोर्सेस इकट्ठी करी थी, फोर्स पूरी की पूरी इकट्ठी कर दी थी, राइट। ठीक है, ये नहीं था कि हल्के में लिया था, उसने सोचा 10 टैंक इकट्ठे करके 10 भेज देता हूं जीत जाऊंगा, वो तो नहीं करा। तो रशिया ने तैयारी पूरी करी थी किसी भी अंत तक की, मानो राइट। बट रशिया ने यूक्रेन को थोड़ा शायद हल्के में लिया, या रशिया की इंटेलिजेंस का भी फेलियर है इसमें, लॉजिस्टिक्स का तो है ही, और इंटेलिजेंस फेलियर जो रशिया का आ रहा है उसमें एक खबर है, आई थिंक आप भी चला रहे थे 2 या 3 दिन पहले, कि पुतिन ने जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उस एजेंसी का जो डिपार्टमेंट जो यूक्रेन को देखता है, उसके चीफ को हाउस अरेस्ट में कर दिया है। ठीक है, ये कहते हैं कि आपने ठीक परफॉर्म नहीं करा और आपने ठीक बताया नहीं। तो ये जो कसल आ गई है अब रशिया की इंटेलिजेंस, जिस तरह से वॉर को गाइड करके सोच लीजिए निकल जाएंगे, वर्सेस
रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि तीन एक दिन पहले से, परसों से, अब इस समय रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसकी रणनीति ज्यादा मतलब दिख रही है, ठीक है, वर्सेस की जो रशियन इंटेलिजेंस जिस हिसाब से वॉर को गाइड कर रही है। द्विवेदी साहब, अब किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम जो घातक हथियार हैं उसे निकाले जा रहे हैं, क्या रशिया का ये जो डिफेंस माइट है, अगर बात की जाए, उसकी बात की जाती है, घातक हथियार उसके पास बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे बड़े आर्म सप्लायर में उसकी गिनती होती है, तो क्या अब घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जीत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अब जो है जान माल की परवाह किए बिना ज्यादा अटैक करेगा? बिल्कुल चंदन, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ कि लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर है, तो इस समय रशिया जो भी उसके कहते हैं कि असला है वो इस्तेमाल करेगा, और ये बड़े घातक हथियार हैं जिनके, ये किंचन मिसाइल है, बहुत ही घातक मिसाइल है, और बहुत ये नाश कर सकती है, बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, और साथ ही साथ देखो वो एक हमारी टर्मिनोलॉजी है आर्मी में कार्पेट बॉम्बिंग, यानी कि वो जो भी चीजें ध्वस्त करते हैं ताकि किसी ना किसी तरह यूक्रेन की कमर टूटे, मनोबल टूटे। बस इसमें दो बातें बहुत अहम है। सबसे पहले है कि रशिया को हथियारों की कोई कमी नहीं, ठीक है, तो जिस प्रकार उसकी फौज लड़ी है लगता है कि उसके मनोबल में काफी कोई क्षति आई है, क्योंकि जितना जमावड़ा है 1.5 लाख फौज जमा की है, 6 कोर जमा हो गई है, तकरीबन 800 टैंक आ गए हैं, तो तब भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो अगले आप देखोगे कुछ दिनों में और भी घातक हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि रूस का भी एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है, किसी ना किसी ना यूक्रेन की जो कमर तोड़ी जाए, ताकि यूक्रेन या तो हथियार अपने हाथ खड़ा कर दे या उसकी टर्म्स पर नेगोशिएशन टेबल पर आ जाए। जी ठीक है, अब सचदेवा साहब, पुतिन के सामने क्या विकल्प है, क्या इस लड़ाई में वो फंस चुके हैं, उन्हें जैसा लगा था कि क्रिमिया आसानी से मिल गया, जो डॉनबास रीजन है वहां पर उनके जो समर्थक थे वो काफी हावी हो रहे थे, अब लेकिन इस लड़ाई में वो फंस चुके हैं, उनके लिए आर या पार की सिचुएशन है? 100% पुतिन के लिए आर या पार की सिचुएशन। और पुतिन ने जब शुरुआत भी करी थी, आप देखिए डे वन से, चाहे 5 दिन में युद्ध खत्म हो जाता यूक्रेन घुटनों पे आया था या 50 दिन में आए, पुतिन ने जब शुरुआत करी थी उसकी आप स्टेटमेंट देखिए, एक एक जो कह रहे थे बार बार, जो पहले दिन उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था यूक्रेन वाले लोग कहते हैं कि हमें डीकॉमनाइज होना है, हमें कम्युनिस्ट नहीं रहना है, तो बोला कि हम इनको दिखाएंगे डीकॉमनाइज कैसे होते हैं, डीनाजिफिकेशन करनी है, कि यूक्रेन की जो एलीट है, यूक्रेन की जो सरकार है, ये अमेरिका का टूल बन गई है और यूक्रेनी लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। यार ये तो पुतिन के विचार है, राइट, बट पुतिन ठीक है, निश्चित तौर पर आर या पार की सिचुएशन है, और ये स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, खास तौर पर यूक्रेन के लोगों के लिए ये स्थिति बेहद घातक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमलों की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है और घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। हर अपडेट आपको इस बड़ी खबर पर हम लगातार देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सचदेवा साहब आपका और द्विवेदी साहब आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।